हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विसराम, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए जो है नर्सिंग एएनएम वालों के लिए वैकेंसी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हमेशा बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग, साथ साथ पैरामेडिकल के लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी होती है, एमबीबीएस, एमडी, ठीक है, सारी जो वैकेंसी मैं इस चैनल पर लेकर के आती हूँ। तो आज मैं जो है एएनएम नर्स के लिए वैकेंसी लेकर के आई हूँ और ये जो वैकेंसी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली तक, ताकि आपका नहीं तो किसी ना किसी को जॉब लग सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनएचएम एमपी एनएम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021। तो फिर चलिए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो है एमपी से एनएम जो है महिला संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो है फॉर्म आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको तीन फायदे हैं, चलिए वो तीन फायदे भी बता देती हूँ। कि फर्स्ट, इसमें नर्सिंग नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सेकेंड, कि इसमें नर्सिंग वैकेंसीज मिल जाएगी ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट से। थर्ड, इसमें पैरामेडिकल की जितनी भी वैकेंसी आती है वो सारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस वैकेंसी को देखते हैं अपन लोग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, यहाँ पे देखिए एनएम की वैकेंसी है, एमपी से आई गई है एनएचएम एमपी। तो यहाँ पे जो है 25 साइन कॉमन संविदा पोस्ट है टोटल जो है, और यहाँ पे एनएम 2551 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये जो है डिवाइडेड है। और चलिए मैं वेबसाइट बताती हूँ यहाँ पे। तो ये रही वो वेबसाइट, यहाँ पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देखिए और 2 मिनट में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिए। स्टार्टिंग डेट जो है 1 जून से स्टार्ट हो गई है, 22 जून तक आपका लास्ट डेट है, रात को 12 बजे तक का। फिर आपको कौन कौन से शैक्षणिक अन्य पात्रता जो है, 10th क्लास के सर्टिफिकेट, 12th क्लास के सर्टिफिकेट और जो आपका नर्सिंग एएनएम सर्टिफिकेट है, साथ में रजिस्ट्रेशन का होना है। फिर यहाँ पे देखिए 10th 12th एनएम का जो रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, फिर पंजीकरण वाला, फिर आपका जो एज है वो 21 to 40 ईयर्स के बीच में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2021 के, ठीक है, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के तक, और यहाँ पे आप एक लाइन को अच्छे से रीड कीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका जो है एग्ज़ाम होंगे, यहाँ पे मॉक्स क्वेश्चन रहेंगे। और आगे देखते हैं और क्या दिया गया है इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ पे आपको ई एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट से मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। फिर दस्तावेज का सत्यापन के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो फिर आपका जो है लिखित टेस्ट जो होंगे, आपके चयन परीक्षा का अर्थ संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता कार्यकर्ता के चयन प्रक्रिया का संदर्भ है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ और नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पूरा टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है, आप अच्छे से रीड करके ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे अप्लाई करना है वो बता देती हूँ मैं। तो जो वेबसाइट मैंने बताया था, उस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको वहाँ पे आप जो है फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय घोषणा का उम्मीदवार, तो आपको जो जो डिटेल मंगेगा उसको अप्लाई करना है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये रही एनएम वालों की जो वैकेंसी आई थी वो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।